जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर शाब्दिक वार जारी है। पहले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने जहां दोनों देशों के बीच अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर दिसंबर में युद्ध की संभावना जताई है, तो वहीं पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी युद्ध को लेकर कहा है कि पाकिस्तान हारने लगा तो भारत के साथ न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। वहीं पाकिस्तान की ओर से युद्ध को लेकर दिए जा रहे इन बयानों पर भारत की ओर से भी जुबानी हमले जारी है। बीते दिनों सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा है कि अगर सरकार चाहेगी तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को फिर से हासिल करने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। उनके इस बयान को भारत की ओर से युद्ध की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस मसले पर मंगलवार को कहा है कि हमारी सरकार का अगला एजेंडा अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होकर रहेगा, और युद्ध होता है तो इससे पाकिस्तान के साथ भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस विषय पर अम्बेडकर एक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने फेसबुक लाइव पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि चाहे पाकिस्तान की सरकार हो या भारत की सरकार, युद्ध के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे दोनों ही देशों को अर्थव्यवस्था के मामले में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। विजय मांकर ने कहा कि मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले हैं। पहले नोटबंदी, फिर गलत जीएसटी और बैंकिंग फ्रॉड के कारण वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर संकट में चल रही है। साथ ही ऑयल का भी क्राइसिस अब आ गया है। ऐसे में कम से कम युद्ध की नहीं सोचना चाहिए। यदि न्यूक्लियर युद्ध के बजाय सामान्य तौर पर भी युद्ध होता है तो दोनों देश 50 साल पीछे जाएंगे। इससे किसी भी देश को फायदा नहीं होगा। इसलिए युद्ध के बारे में सोचने वाले लोगों को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। उन्होंने भारत के साथ पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से भी कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। यह कोई क्रिकेट का बॉल नहीं है जो इसको डाले और स्टंप टूट जाए। मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि भी 6 साल अनइंटरप्टेड दिया आपको, आपकी बातें सुन सुन के भारत के लोगों ने कहा, आपने जितना बोलना था बोल दिया, आप करके दिखाइए, आपका 6वां साल चल रहा है। तो इसमें पार्ट वन पार्ट टू कुछ नहीं है, 0.1 2.0 ऐसा कुछ नहीं होता, सब बोलने की बात है। 6वां साल चल रहा है आपका, अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट है आपकी, तो आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। और जब से आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जब से आपने गलत जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, जब से आपने बैंकिंग फ्रॉड्स को होने दिया एनपीएस के, और एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, तब से आपका इकोनॉमिक्स पूरा पूरा नीचे नीचे जा रहा है। और आप उसके साथ में आपको अभी ऑयल का भी क्राइसिस आया, वो तो आपने नहीं किया। अब ऐसे समय में कम से कम आप झगड़ा करने की बात सोचो। अगर आप फिर और वॉर की तरफ जाओगे तो ये देश दोनों जो है वो 50 साल पीछे जाएंगे, अगर युद्ध हुआ तो। अगर न्यूक्लियर नहीं हुआ तो भी, सीरियस वॉर हुआ तो भी, किसी को इसमें बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो लेट अस हैव सम सेनिटी, कुछ समझ होनी चाहिए सारे लोगों को, दुनिया के पूरे, और भारत के लोगों को विशेष, क्योंकि मैं अपने देश के लोगों को ये कह सकता हूँ। और पड़ोसी देश को भी अपील करूंगा इमरान खान जी को कि इतना न्यूक्लियर वेपन के विषय में मत सोचिए। ये कोई आपका क्रिकेट का बॉल नहीं है कि जिसको आप डाले और स्टंप उड़ जाए। आप भी इस बात को समझते हैं, तो आपको भी इतनी बात नहीं करनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन से। विजय मानकर ने इसके अलावा सिविक और एथनिक नेशन के विषय पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि किसी वंश, भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र की संकल्पना तभी पूरी होती है जब कोई देश समान सामाजिक और राजनीतिक समाज बनता है। उन्होंने एथनिक नेशन की कॉन्सेप्ट को नकारते हुए कहा कि ऐसी संकल्पना कभी भी लोगों को सामाजिक और राजनीतिक समानता के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दे सकती है। इससे मानवतावाद को साकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिस देश में भी रहते हैं, हमारा अपने देश के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन इसके साथ संपूर्ण मानवता के प्रति और प्रकृति के प्रति भी हमारा व्यापक दृष्टिकोण और कर्तव्य होना चाहिए। यानी भाषणबाजी को या विज्ञापन देख के गवर्नमेंट नहीं चुननी चाहिए, उसकी नीति पॉलिसियों को देख के, लीडर को क्या आता है वो देख के चुनना चाहिए, वो चुनना चाहिए। तभी डेमोक्रेसी सक्सेस होती है, तभी कोई देश आगे जाता है, और तभी सही मायने में कोई सिविक नेशन मानवतावादी और प्रबुद्ध राष्ट्र बनता है। हिंदुत्ववाद के आधार पर नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं, जो मदनी जी अभी बोले, जो कौन उलेमान लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया, तो उनको सावरकर से जाकर जो है हिंदुत्व का, जो हिंदू राष्ट्र का जो थेरी है, गोलवलकर का जो थेरीज है, वहाँ से लेके पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारी राइटिंग्स है, आप चाहे तो मार्केट के ऊपर में जेफर लॉर्ड को पढ़ लीजिए, एंडरसन एंड दामले को पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड है इंग्लिश के अंदर में जो है।
आपके बहुत सारे, अभी दुरानी जी का एक बुक आया है उसको पढ़ लीजिए आप, जो है वो समीशुल इस्लाम के बुक है उसको पढ़ लीजिए, आपको कितने ऑथर्स का मिल जाएगा उसको स्टडी कर लीजिए, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स पढ़ लीजिए, आरएसएस के जो है इतना छपे उन लोगों ने भी छाप के रखा है, कोई सीक्रेट तो है नहीं है। तो कुछ समझना चाहिए कि राष्ट्र बोलने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप किसी भाषा या वंश के आधार पर या संस्कृति या धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं होता है। राष्ट्र तब होता है जब समान सामाजिक और राजनीतिक समाज होता है और वहां की जो संस्कृति है वो मानवतावादी होती है और प्रबुद्ध यानी एनलाइटेंड, मोदवेड़ची, मोदवेड़ची यानी अत्युदीप भव, एनलाइटेंड संस्कृति होती है, तब जाके वो राष्ट्र जो है वो सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज राष्ट्र तो जर्मनी भी था, राष्ट्र तो इटली भी था, जब मुसोलिनी और हिटलर के पीरियड में जो है उसका क्या नतीजा आया, जापान भी एक राष्ट्र था, तो जापान ने भी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गलतियां की है, उसके पहले चाइना और कोरिया के ऊपर अटैक किया है। तो एथनिक नेशन की जो कंसेप्ट है वो, एथनिक नेशन की जो कंसेप्ट है वो कभी भी जो है आपको पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी और कल्चरल और रिलीजियस जो फ्रीडम है वो नहीं दे सकती है, वो मानवतावाद को नहीं ला सकती है। इसलिए राष्ट्र जो है एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, राष्ट्र नेशन स्टेट ठीक है जरूरी, अभी हमें कुछ कंट्री में है तो हमको रहना पड़ेगा, पर हमको ये समझना चाहिए कि आफ्टर ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इंसान हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं, इसको यदि हम समझते हैं तो हम जिस भी कंट्री में रहते हो हमारा अपने कंट्री के प्रति कर्तव्य है, रहेगा और रहना चाहिए, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हमारा ये पूरी इंसानियत के प्रति, नेचर के प्रति और पूरे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के प्रति भी कर्तव्य है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए।